सासू माओं का खौफ। छोटा सा बच्चा है ये, मैं क्यों बोलूंगी मेरे बच्चे को, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। पहली सास देखी जो अपने बहू से इतना प्यार करती। बात तो सही है। सारे कपड़े चले गए मेरे गुरु के। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अब क्या होएगा? हवा चल रही गुड्डू, ये भी उड़ जाएंगे। और देखो जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा कोई पांडा मिले पूरी दुनिया से लड़ लेना, पर उसको पाकर छोड़ना। बात तो सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे। सो गाइस, बाहर का मौसम और बाहर हमारी गैलरी का क्या हाल हुआ है आप लोग देखो एक बार। रात को हम सोए, हमें पता ही नहीं चला यार, हमारी गैलरी देखो। देखना ये कपड़े हमारे भाई, अभी भी हवा चल रही है। ये तो पंखा भी पता नहीं कहाँ रखा हुआ था, गिर के यहाँ से। हम इतनी गहरी नींद में थे कि हमें पता ही नहीं लगा, अभी भी हवा चल रही है यार। मौसम बहुत ख़राब है यार आज। कपड़े अब उठाने पड़ेंगे, देखना नुकसान हो गया और हमें पता भी नहीं चला। चलो देखते हैं कहाँ गए कपड़े, नीचे जाके ढूंढना पड़ेगा। अब काम करती है यार तू, जब शाम को उठी थी तो कर लेती ना। खाओ बेटा उसको जल्दी। अब चकरा रही नींद से मेरे को। देख सारा कपड़ा, देख मौसम, देख कैसा हो गया, और देख कपड़े, देख कहाँ चले गए हमारे यहाँ यार। तुम जब रात को उठी थी तो उठा लेती बच्चे। सारे कपड़े चले गए मेरे गुरु के। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अब क्या होएगा? मैं नीचे से लेके आता हूँ, आप इनको उठा लो पहले। देखना ये अर्शी के पैंट, देखना कैसे छप्पड़ मार के बैठी हुई है। देखना मेरा पैंट कितना बेकार हो गया, मेरी हालत खराब हो गई। चलो कोई ना, उठा 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 ले। चलो मेरी क्लास में आ रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारा सेट कर दे यार गैलरी। देख पंखा भी पता नहीं कहाँ से गिर रहा है। हाय यार, हवा चल रही गुड्डू, ये भी उड़ जाएंगे और आधे कपड़े नीचे। देख रहा है मैं, चल मैं नीचे जा रहा हूँ। देखना थोड़ा पानी पा, क्या हो जाएगा यार आज। आइए चंडीगढ़ का मौसम देखो भाई, क्या है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ का मौसम, दोनों हमारे दिल के करीब है यार। लोकेशन देखो, सबसे बेस्ट मोटिवेट ये नेचर करता है। इसको देखो आप, इकलौता ऐसा पक्षी है जो इतने तूफान में भी हवा में उड़ रहा है। तो गाइस 10 बज चुके हैं और हमारी अर्शी भी उठ चुकी है 10 बजे। गुड मॉर्निंग अर्शी, कैसे हो आप? रात भर तो आप उठे नहीं, सारा कपड़ा कुपड़ा सारा गलत, 10 कपड़े गुम हो गए। क्या बोलना चाहोगी इस टॉपिक में गुड्डू? बोलो, फिकवा दिया तुमने, बोलो एक बार प्लीज। इधर फेस करो, मौसम खराब तो कपड़े भी खराब, सुखा रखे हैं अभी इनको। बस भैया आए तो उनका रिएक्शन देखते हैं, भैया के कपड़े बोलेंगे भाई तुम ध्यान नहीं रखते मेरे कपड़ों का, देखना बस सूख जाए तब तक पंखे की हवा से। गाइस मिलियन व्यूज मिलियन सब्सक्राइबर तो हम भी लेके आ सकते हैं, बट ये साला कमबख्त, नींद ही बहुत आती है। पता नहीं क्या करे इस नींद का। देखो यहाँ पे एक और दिखाती हूँ आपको चीज, ये देखो यहाँ पे मुंह धोया जा रहा है क्योंकि हम अभी सो के उठे और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। अब बताओ क्या करें हम, क्या करना चाहिए हमको, अब आप ही बताओ। हम क्यों सोए थे? हमारी इतनी खतरनाक लड़ाई हुई ना, इतनी ज्यादा खतरनाक लड़ाई, जिसको खतरनाक से भी ऊपर होते हैं ना, जो वो वाली लड़ाई, और हम लड़ते लड़ते सो गए। तो फिर अभी हम सुबह कह रही अभी हम उठे और जब हम उठे हमें पता ही नहीं हम लड़ रहे थे। हाँ। और हम पूछ रहे एक दूसरे से क्या हुआ था। अभी हम उठे हैं और मम्मी का भी फोन आ रहा था, हमें किसी का खबर ही नहीं, मम्मी का फोन आ रहा है। उसके बाद अभी उठे हैं, मम्मी से बात करते हैं, मम्मी कह रहे बहू की याद आ रही है, एक बार बहू की और मम्मी की बात करा देते हैं। एक दो दिन हो गए बात नहीं करी। हाँ हो गया टाइम, बात नहीं करी मम्मी से भी, वीडियो कॉल में बात करते हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं खाया बेचारे, सुबह 3 बज रहे हैं अभी दोपहर के। अब इनको खाना वाना भी देती, फिर मम्मी से बात करते हैं, फिर हम आप बैठ के आपसे बात करते हैं। कैसे हो आप? कैसे हो? मम्मी को देखते देखना बाल बूल खा लिया, सासू ढक लिए। इतना डर देखो गाइस, इतना खौफ होता है सासू माओं का खौफ। हेलो मम्मी, क्या कर रहा है ये गंदा बंदा? वीडियो बना रहा हूँ, आप हमारे हमारे यूट्यूब चैनल में आ रहे हो आप भी। गुड मॉर्निंग, फिर तो अच्छे से बोलना पड़ेगा। हाँ सबको हेलो बाय नमस्ते बोल दो, नमस्ते सबको, हाय हेलो हेलो, क्या हाल चाल है, क्या है सबको, नमस्ते बाय 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 बाय।
नमस्ते बाय बाय। बहू को थोड़ा डांटो मम्मी, बहू बहुत लड़ रही है। क्यों लड़ेगी, मेरी बहू कभी नहीं लड़ेगी, मेरा छोटा सा बच्चा है ये। मम्मी कब आ रहे हो फिर बहू से मिलने? हाँ कब आ रहे हो? मेरा छोटा सा बच्चा है ये, मैं क्यों बोलूंगी मेरे बच्चे को, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। पहली सास देखी जो अपने बहू से इतना प्यार करती है। मम्मी कब आ रहे हो फिर आप? कब आऊँ बेटा, मैं तो नहीं आने का मूड बना रखा है। क्यों मम्मी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मम्मी ऐसा ना बोलो यार, अब आने का मूड बना लो। ओ, जाने वाले कॉल चले गए, मेरा तो फिर नहीं आने का मूड हो गया फिर। कौन? कभी खुश आ जाओ यार मम्मी क्या कर रहे हो यार? आप फिर कल तो मैं नहीं आने का मूड बना हुआ है। क्यों? आ जाओ अब। क्या करूँ आ जाओ यार, बस यार एक मैगी का डब्बा लेके आओ, अच्छा सा भर के मैगी लेके आओ। अपने मतलब के लिए बुला रहे हो हैं? नेपाली चाव चाव लाओ, आ जाओ 10-15 दिन के लिए आ जाओ कोई ना। बेटो क्या बोला? मैं कह रहा हूँ मैगी का डब्बा ले आना भर के, और 10-15 दिन के लिए आ जाओ कोई ना। मैगी का डब्बा देख, मैगी का डब्बा मैं भेज दूँ किसी से? अरे मैगी नहीं चाहिए यार, आप आ जाओ। क्या नाम है पुत्र? आपको गिफ्ट देना है। ओए मेरे बाबा इतना अच्छा काम कर रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे पुत्र जो भी करते हैं, मेरे बच्चे अच्छा काम करते हैं, मेरे बच्चे। जल्दी आओ बस, आ जाओ 10-15 दिन के लिए, फिर आप चले जाना कोई ना, केक काटेंगे हम लोग फिर। और हाँ आ जाओ बस अब, जल्दी बहुत हो गया। मम्मी ने डांट दिया तो तभी अर्शी अपने हाथ से खिला रही। मम्मी ने बोला मेरे बेटे का ध्यान रखना, अपने हाथ से खिलाओ। क्या बोला तूने? तो देखना कितना सुधर गई। वाह, सासू माँ से बात करते सुधर जाती है लड़कियाँ। चलो खिलाओ अब। गाइस ये इतने ज्यादा आलसी है ना, मैं बता नहीं सकती आपको इतना। तो मत बताना फिर, बता नहीं सकती कह रही फिर बता रही है। इतना आलस भरा है ना, अपने बात में ही नहीं रहती यार। क्या यार तुम लड़की ऐसी हो क्या? इतना आलस भरा है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। पापा की परी है, अपनी खुद खाई हुई प्लेट नहीं उठा के रख सकते यार ये बंदे। भाई पत्नी किस काम की होती है गाइस, तुम बताओ एक बात, पत्नी का फर्ज क्या होता है? पति प्रथा पत्नी क्या होती है जो पति को खाना दे और प्लेट उठा के रखे? पति का काम है कि भाई तुम बाहर कमाओगे और घर पे आके राशन दोगे, पत्नी का काम है वो बना के पति को खिलाओगे। ये इनको कौन समझाएगा और कब समझ आएगी इनको, मेरे को ये समझ नहीं आ। बात तो सही है, कब समझोगे तुम ये बात? इनके खुद के हाथ गंदे हो रखे हैं, देखो इन्होंने हाथ से खाना खाया है ना, ये जाके वहां रख देंगे हाथ धो लेंगे तो इन तुम्हारा बिगड़ के जाएगा यार। बिगड़ तो कुछ नहीं जाएगा, पर मैं तुम्हारा हक नहीं छीनना चाहता। क्या बोला तूने? तुम्हारा हक नहीं है भाई, ये नहीं है ये ना, एक पत्नी का हक होता है, एक पत्नी का ना ये धर्म हक होता है, पति की सेवा ही पत्नी का धर्म होता है, हक होता है, वो कभी छीनना नहीं चाहिए, कभी नहीं। गाइज ये बहुत बिगड़ैल लड़के हैं, मैं नहीं इनको समझ सकती। चलो आप ही खुद डील करो इनके साथ, आप जो ये जो बात बोल रहे हैं ना, कमेंट करके बताओ गाइज कि मैं गलत हूँ या अर्शी गलत है इस चीज में। यार बंदा इतना तो काम कर सकता है ना कि अपनी चावल खाई हुई प्लेट रख दे? ना बिल्कुल ना, सख्त खिलाफ हूँ मैं इस चीज का। मैंने खाना खाया ना, मेरे को नशा हो रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब सो जाऊँ। गाइस जो अर्शी ने बोला था अभी, मिलियन सब्सक्राइबर और मिलियन व्यूज तो हम भी ले आए, पर ये कम वक्त नींद बहुत आती है। चलो सो जाते हैं, बाय यार। आ गए तुम? अभी के बाद यही तो चेंज हो जाता है। ये मिर्च प्याज टमाटर लेके आना, ये चावल लेके आना, ये वो लेके आना। सपने बहुत होते हैं कि भाई आराम मिलेगा ये वो, दिस इज रियलिटी गाइस। और जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनको देखो आराम से पड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। सिंगल लाइफ ब्रो, सिंगल लाइफ। आपकी गर्लफ्रेंड देखेगी ना मारेगी आपको। भाई प्रैक्टिस कर लो अभी से ही। हे भगवान, सो गाइस मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सिंगल रहिए। क्या बोला तूने? देखो जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, ये भी पछता रहे कह रहे शादी क्यों नहीं हो रही शादी। गाइस कोई लड़की है तो प्लीज कमेंट करिए, शादी करवानी है बहुत। बाकी क्वालिफिकेशन ये सब कुछ मैटर नहीं करता, सैलरी पैकेज बैंक बैलेंस सब मैं डिटेल आपको बता दूंगा, दे दूंगा, बस आप कमेंट करो जो गर्ल सिंगल है। इनकी गर्लफ्रेंड देखती होगी वीडियो, नो लिमिट। बस अब हमारे घर पे सबसे छोटा भाई रह गया हमारा, जिनकी शादी करनी है। बस यही टेंशन होती है छोटे भाई। फ्रूट नहीं लेके आए तुम? फ्रूट नहीं लेके आए, फ्रूट बच्चे तो होने, फ्रूट पहले लिया। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं
अपने कमल दाई के घर, क्योंकि आज वहां पे जा रहे थे क्योंकि उन्होंने बुलाया था, कुछ उनको काम था, तो हम दोनों भाई जा रहे हैं। और अर्शी अभी बना रही है दोबारा आज पनीर, और जब से मैं वेजिटेरियन बना हूं अर्शी बस पनीर ही पनीर बनाई जा रही है, और पनीर मिक्स वेज। और अर्शी भी वेजिटेरियन कह रही है, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी वेजिटेरियन बन जाऊँ। बन जाओ भाई, सब वेजिटेरियन बन जाओ, बहुत अच्छी बात है, और आप भी वेजिटेरियन बन जाओ। एंड देखो हमारी अर्शी भी, आपको कैसे भाई, बहुत अच्छी लड़की यार, अर्शी इज द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। देखो इसकी सुंदरता देखो, इसकी खूबसूरती देखो, वाह वाह वाह, सो चांद कुर्बान है अर्शी, हमारी अर्शी पे तो भगवान में करो जानू, सो चांद कुर्बान कर दूं। क्या बोला तूने? काश वीडियो पे मन की बात सुनाई देती है ना, काश मेरी मन की बात सुनाई देती वीडियो में, यार जाओ तुम यहाँ से, काश अर्शी की मन की गालियाँ मेरे को सुनाई दे रही होती, अभी तक मैं मर गया होता। गाइस मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा कोई पांडा मिले तो प्लीज पूरी दुनिया से लड़ लेना, पर उसको पाकर छोड़ना, क्योंकि तुम पाकर छोड़ देना, क्या बोला तूने, पाकर मतलब अपने पास रखना, शादी करना, तुम पैसा कमाओगे, घर बनाओगे, घर वालों से लड़ोगे, जो भी है सब कुछ अलग है। अगर ऐसी अर्शी जैसी लड़की मिल जाए ना, अगर पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाना यार, क्योंकि हर कोई नहीं होता ऐसी, बात सही है, मतलब ऐसी वाली लड़की नहीं होती हर कोई, ना कोई चीज की चिंता करके, जो अगर आपका साथ देती है ना तो लाइफ में वही है सब कुछ। मेरे लिए तो यही है, बट आपको मिले तो मेरी तरफ से यही बात है कि उसको कभी छोड़ना मत। आई लव यू, चलो बाय, गुड नाइट।